गुंडापन हिंदू वाहिनी नेता के साथ जटनी गांव के ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर थाना प्रभारी से मिले और सुजीत यादव की गोकशी के आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। हिंदू वाहिनी के ब्लॉक प्रभारी विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में आज ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से मिलकर सुजीत यादव की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताई। थाना प्रभारी नवाब सिंह ने 3 दिन के अंदर सुरजीत को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। मामला जटनी गांव के जंगल से जुड़ा है। जटनी गांव के जंगल में रात्रि में 3 गोवंशीय पशु की वध की तैयारी चल रही थी। जंगल में रोशनी देख ग्रामीण वहां दौड़ पड़े और मौके पर 4 लोगों को पकड़कर धुनाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया, जबकि सुरजीत यादव मौका पाकर फरार हो गया। मेरा विजेंद्र ठाकुर नाम है, मैं हिंदू वाहिनी का ब्लॉक प्रभारी मुंडा पांडे हूँ। अभी कुछ दिन पहले जटनी गांव में कुछ लोगों ने गाय काटने की कोशिश की, जिसमें 2 गाय, 1 बछड़ा और 1 सेंट्रो कार, 3 गाय और 1 सेंट्रो कार और उसमें कुछ धारदार हथियार थे और 1 बाइक भी थी, 3 बाइक, जिसे ग्रामीणों ने मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस को इन्फॉर्म दिया, जिसमें पुलिस की लेट लतीफी की वजह से जो है वो मुजरिम अपना अपराध करने से पहले ही निकलने वाले थे और उनमें से कुछ अपराधी भाग गए, जिनमें आधे लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ग्रामीण जो लोग मुख्य अभियुक्त बता रहे हैं उन लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। तो हिंदू युवा वाहिनी मुंडा पांडे इन ग्रामीणों को साथ में लेकर और ये हम लोगों के पास आए, हमने इस मुद्दे को थाना प्रभारी मुंडा पांडे के सामने उठाया और हमने उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया। अगर 2 दिन में ये कार्रवाई नहीं होती है और मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं तो हम सोमवार के दिन फिर से यहाँ धरना देंगे और फिर हमें आगे की कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि यहाँ जितनी घटनाएं